हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमसे परिचित हैं और मैं CITS NSK चेन्नई एज ए गेस्ट लेक्चरर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एंड WSC सब्जेक्ट के टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ सकी, जिसमें मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम और भी अन्य कई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला सका, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से मैं वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट किया हूँ और तबीयत अभी कुछ नासाज है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए और कुछ किया जाए ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से चल सकें और जो भी नई वैकेंसीज आ रही हैं, UP ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, जिसका हमें लगभग 5 या 6 सालों से इंतजार था। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी 2018 CITS पास आउट फ्रॉम NSK नहीं हूँ, तो लगभग 2 साल से मुझे भी स्वयं इस वैकेंसी का इंतजार था। देखिए, इस वैकेंसी के आने से जहां से एक तरफ हम लोगों को खुशी है, उधर दूसरी तरफ वैकेंसी आ जाने की खुशी होने मात्र से हम लोग को खुश नहीं होना है। इतनी आसान कंपटीशन भी नहीं है, इतना आसान चीजें भी नहीं है कि हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके चीजों को, ठीक है। आगे बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है और जैसा कि जानते हैं कि आज तक जितनी भी ITI सेक्टर वैकेंसी हुई है अपने UP में, सारी जो है बेसिकली मेरिट बेस पर हुई है, बेसिकली मेरिट बेस पर हुई है। मेरिट बेस के अलावा कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं हुई, ठीक है ना, UP में। बट इस बार जो वैकेंसी होने वाली है, वो वैकेंसी हमारी UP SSSC के थ्रू होने वाली है। UP SSSC जो है हमारी वैकेंसी कराएगा, ठीक है ना। तो वैकेंसी का सिलेबस कैसे होगा, ठीक है, हमारे परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसे होगा, ठीक है, परीक्षा कितने अंकों की होगी, ठीक है, पेट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस चीजों पर भी बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है और कई बच्चे जो है आपस में भिड़ गए हैं, पेट होना चाहिए पेट नहीं होना चाहिए, क्या है कैसे है, ठीक है। तो इन सब चीजों पर पहले जो चीज जो हम चर्चा करते हैं वो पेट की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर सरकार चाहे तो पेट को लागू भी कर सकती है और सरकार ना चाहे तो पेट को हटा भी सकती है, ये राज्य सरकार का विषय है, ठीक है, ये उसके अधीन है। बट अगर हम पेट की बात करें, वास्तविक स्थिति की बात की जाए, तो कुछ ज्ञानी भाई लोगों के कहने पर, देखिए आज के युग में अगर आप किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, ठीक है, मैं ही वीडियोस बना रहा हूं, कोई वीडियो आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आप डिजिटल युग में हैं और आप एक ITI इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। ITI इंस्ट्रक्टर बनने का मतलब ये है कि आप चीजों की सार्थकता की जांच करें। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप मुझे सुनिए और उसके बाद उन चीजों की सार्थकता की जांच करिए। आपको अगर मेरे विचार नहीं अच्छे लगते तो कमेंट पर आप शब्द कह देने से या कमेंट पर कोई अन्य चीज कह देने से आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही। अगर आपको कोई मेरी बात से कोई असहमत है तो आप कमेंट में उस बात को पूरी तरीके से लिख दीजिए, ताकि जो अन्य लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं या किसी अन्य बंदे की वीडियो देख रहे हैं, वो उस पॉइंट पर सही से सोच सके और फैसला दे सके। देखिए, आज कोई भी सारे लोग YouTube चैनल बनाते हैं और सारे लोग जो है अपने तरीके से विचार रखते हैं, सबका अपना अपना आइडिया है, ठीक है ना। बट कोई आइडिया सरकारी आंकड़ों के अनुरूप नहीं है। तो कुछ लोगों ने बोला कि पेट अनिवार्य नहीं है, पेट मत दीजिए, ठीक है, बट अब जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेट अनिवार्य है। तो इस बारे में पहली बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल तनिक भी, जिन्होंने पेट नहीं दिया है उनको तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मीडिया हैं और बहुत सारे लोग जो है हमसे बड़े बड़े, अभी हम तो बहुत छोटे हैं इस क्षेत्र में और हमने शुरुआत की है मात्र एक, और आप लोग के सामने ये विश्वास रखते हैं कि एक आपका भरोसा बने हमारे ऊपर और हम आपको अच्छी अच्छी और एक सार्थक बातों पर ज्ञान दे सकें। तो कुछ महान भाव है जो अपनी वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में वो बता रहे हैं कि लगभग 80,000 की संख्या में हमारे CITS पास आउट बंद हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये बात सही है और ये बात सही भी हो तो और अच्छा है आप लोग के लिए, और अच्छा है हम लोग पेट खत्म करवाने या नान पेट हटवाने, पेट को ना लागू करवाने में सहायता मिल सकती है। बट आप लोगों ने जब उन्होंने ऐसा कहा कि 80,000 की संख्या है तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि 80,000 लोग हैं कहाँ। भर्तियां आने वाली हैं, आज नहीं कल भर्ती आ जाएगी, और ये 80,000 लोग हैं कहाँ। काफी लोग गए धरना दे आए, काफी चीजें की, ठीक है, और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप ऐसे भी रूप से कह रहा हूं, मात्र 16 से 17 लोग गए और लोग बता रहे हैं कि पेट पेट ना देने वालों की संख्या जो है 80,000 पीटी है और उसमें लगभग 90% लोगों ने पेट नहीं दिया है। ठीक है, आंकड़ा मेरे पास भी है और आप लोग जैसा जानते हैं, जितने लोग वीडियोस देख रहे होंगे आप लोग जानते हैं कि मैं कितने लोगों से मिलता हूं और कितने लोगों से आंकड़ा इकट्ठा करता हूं। तो मेरे हिसाब से जो यूपी के बंदे हैं उन्होंने काफी बंदों ने पेट दे रखा है। ठीक है, मैं पेट का कोई समर्थक नहीं हूं, पेट की कोई बात नहीं करता हूं, क्योंकि इस पेट से कोई भी भर्ती पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो भी मेट बनी है वो UP SSC जो परीक्षा देगा उसमें जितने मार्क आएंगे उसमें प्लस हाई स्कूल का, देखिए आंकड़ा ऐसा है, हाई स्कूल का 20% और आपका डिप्लोमा ITI या BTech जो भी है उसका 20% और CITS का 10% वेटेज लिया जाना है, और जो आपकी परीक्षा लेगा आयोग उस परीक्षा का 50% वेटेज के आधार पर लेते हुए जो एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सभी लोगों का सिलेक्शन होना है। उसमें इस पेट के मार्क्स का कोई योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हमने पेट दे दिया, मुझे लगता है कि पेट वाले कम हैं तो कंपटीशन बहुत कम होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए ये राज्य सरकार है, इसमें अगर उसने मेरिट लगा दी, एक कट ऑफ लगा दी कि इस कट ऑफ को पार करने के बाद ही आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सबको जॉब मिलने जा रही है। जो बात है क्लियर, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, मेहनत हर स्टेप पर करनी पड़ेगी। तो हमारे जो नान पेट भाई हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आपको देनी है तो मैं आपके साथ में हूं, ये मैं बढ़ने के लिए, या मेरे सब्सक्राइब बढ़े या मेरे लाइक बढ़े या लोग मुझको ज्यादा चाहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरा शुरू से विचार रहा और शुरू से मानना रहा। पहली चीज तो हम लोग डाटा कलेक्ट करें कि यूपी में कुल कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास CITS कंप्लीट है प्लस उनका एक्सपीरियंस कंप्लीट है। हमें पहली चीज तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे लोगों को नहीं आने देना है बिल्कुल जिनका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है। अगर किसी का 6 महीने का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है तो वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से लोगों को बहलाओ फुसलाओ और भर्ती को फंसा दो, भर्ती को आने मत दो। समझ लीजिए नान पेट भाइयों, आप पहली चीज तो ये समझ लीजिए, पहली चीज आप जिनका साथ देने जा रहे हैं आप उनसे पूछिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट है। जब नहीं है तो इसका मतलब भाई ये रॉन्ग नंबर है, पहली चीज आप रॉन्ग नंबर पर जा रहे हो, आप गलत पते पर जा रहे हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अगर नान पेट सपोर्ट भाइयों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोग अपना एक डाटा कलेक्ट करिए कि आपकी संख्या बेसिकली यूपी में कितनी है, और ऐसे मत कलेक्ट करिए, भरोसा किसी का नहीं होता, जिन्होंने पेट नहीं दिया है उनका एक्सपीरियंस आप लीजिए,
आईटीआई है तो 3 साल का, डिप्लोमा है तो 2 साल का, कंप्लीट करने ऐसा डाटा कलेक्ट करिए कि अगर वो सरकार के सामने रखा जाए तो उस डाटा की जो है कहीं से भी कोई अप्रमाणिकता सिद्ध ना सके, बिल्कुल प्रमाणित डाटा। अगर एक प्रमाणित डाटा के साथ हम लोग अपनी बात को रखेंगे तो पक्का है कि पेट अनिवार्य नहीं रहेगा, हटा दिया जाएगा और सभी सीआईटी भाइयों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ नेतागण लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है, कुछ भी उनके पास है नहीं और वो सोचते हैं कि चलो अच्छा है धरती गंगा में हाथ धो लें और कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे पास एक अच्छा सा कलेक्शन भी हो जाए और धरती भी रुक जाए और हम नेता भी बन जाए। मत बनाइए ऐसे लोगों को नेता, आपको सोचना है, आपको समझना है। आज उन नेताओं ने ये बात नहीं की कि तैयारी किस प्रकार से होनी है, आज वो नेता ये बात कर रहे हैं कि पेट लागू नहीं होने देंगे, नॉन पेट वाले परीक्षा देंगे, हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। तो भाइयों एक बात मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं कि पेट नहीं दिया तो ये गलती आपकी है, सरकार की नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। बट अगर गलती हुई है, मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, तो हम अपने माता पिता से माफी मांग सकते हैं, उनसे क्षमा याचना करके हम किसी चीज को ले सकते हैं। लेकिन अगर उनसे बहुत जिद करके तो जो चीज घर में होने वाला है वही चीज शासन सत्ता से भी होने वाली है, ठीक है ना? क्योंकि कोर्ट ने सरकार के पास जो पॉइंट है वो मजबूत पॉइंट है, सरकार के पास पॉइंट की कमी नहीं है। तो क्षमा याचना, आप लोग पत्र लिखिए, डाटा कलेक्ट करिए और डाटा कलेक्ट करने के बाद एक सही डाटा वैकेंसी आने के बाद आप रखिए, तो वैकेंसी आने के बाद भी पेट को हटाने में सरकार के लिए कोई भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, वो तुरंत एक नोटिस निकालकर पेट को हटा देगी और बोल देगी कि जितने भी सीआईटीएस पास आउट है वो सारे फॉर्म भर सकते। तो अभी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें होंगी और सारे लोग जो है परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन जो ऐसे अनर्गल लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो भर्ती को फंसाना चाहते हैं, आप उनका सहयोग मत करिए, आप उनका समर्थन मत करिए। पहली जो है ये हमारी आपसे विनती है, अनुनय है और विनय है, क्योंकि ये भर्ती आज 5 सालों के बाद आ रही है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई पेट की और नॉन पेट की। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है? आज हम सिलेबस की जनरल चर्चा करते हैं, उसके बाद जो है हम सिलेबस की एक विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या कहते हैं ट्रेड वाइज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सिलेबस पर, फिर इलेक्ट्रिकल के सिलेबस पर स्वरूप क्या हो सकता है और बिल्डर का स्वरूप क्या हो सकता है, प्लम्बर का स्वरूप क्या हो सकता है, ठीक है? तो उन सब चीजों पर हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे और हम लोग अन्य राज्यों के सिलेबस से, क्योंकि अपने राज्य में भी कोई भी ऐसी भर्ती नहीं हुई है जो परीक्षा के बेस पे हुई, मेरिट पे आईटीआई वैकेंसी की भर्ती हुई, आप लोग जानते हो, तो कोई भी पुराना सिलेबस आपके पास नहीं है। तो पहली बात हम लोग अन्य राज्यों के सिलेबस से तुलना करेंगे और एक अंदाजा लगाएंगे, एक आकलन करेंगे। आप लोग वीडियो को देख के अपने गाड़ी का आकलन करिएगा कि क्या आयोग कैसा सिलेबस दे सकता है, ठीक है? तो प्लीज एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले बात करता हूं मैं राजस्थान की। राजस्थान में क्या हुआ कि राजस्थान में आईटीआई वालों से भी फॉर्म भराया गया, डिप्लोमा वालों से भी फॉर्म भराया गया और बीटेक वालों से फॉर्म भराया गया राजस्थान की, ठीक है? अभी हाल में वैकेंसी आई थी, अभी नेक्स्ट ईयर ही 2018 में उसका एग्जाम हुआ था। तो राजस्थान में जो भर्ती आई थी उसमें इनकी भर्ती का स्वरूप क्या था, 100 मार्क्स टेक्निकल दिया था और प्लस 50 मार्क्स का ये टेक्निकल पोर्शन था, ओनली टेक्निकल पोर्शन था और 50 मार्क्स जो इनका था ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, इसमें 150 नंबर का इनका ये पेपर हुआ था। अगर हम लोग बात करें एक आंकड़े की बात करें कि ये कितने का रेशियो था, तो 2:1 का रेशियो यहां पर था
दो पार्ट टेक्निकल के पूछे गए थे और एक पार्ट नॉन टेक्निकल यानी राजस्थान जीके से संबंधित कला संस्कृति और राजस्थान की सीमाओं जिलों ठीक है से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है तो ये था और 150 मार्क का पेपर हुआ था। ठीक है 150 मार्क का 70% जो है इन्होंने लिया था और 30% CITS का वेटेज देकर जो है मेरिट बनी हुई थी उसके आधार पर जो है सिलेक्शन यहाँ पर होता है। ठीक है अच्छा आप राजस्थान जीके का सिलेबस तो आप लोग समझ गए होंगे ठीक है बट टेक्निकल की बात करते हैं तो इनका जो टेक्निकल का पोर्शन था आप लोग को जैसे पता होगा कि डिप्लोमा के लिए बीटेक के लिए और आईटीआई के लिए कॉमन पेपर आया हुआ था और टेक्निकल का जो पोर्शन था वो मैक्सिमम इन्होंने टॉपिक दे रखे थे। बेसिकली हम आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से जब लाएंगे तो टॉपिक का नाम भी दिखाएंगे क्या क्या टॉपिक इन्होंने दे रखे थे बट बेसिकली सभी ट्रेडों में टॉपिक का नाम दे रखे थे कि किस टॉपिक से क्यों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बट जो इनका टॉपिक था वो टॉपिक डीजीटी पैटर्न जो सीटीएस पैटर्न था सीटीएस पैटर्न के कोर्स के अकॉर्डिंग ही था ये इनका सिलेबस था। अब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में बात किया जाए तो हरियाणा का जो पेपर हुआ वो 90 नंबर का पेपर होता है और 90 नंबर के पेपर में इन्होंने 50 नंबर जो है देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा 90 का 100 का 50 और 40 का कुछ था 50 इन्होंने टेक्निकल से पूछा था और 40 इन्होंने नॉन टेक्निकल हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इस तरीके का क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। कुछ राजस्थान की करंट सॉरी हरियाणा की करंट अफेयर्स भी आई थी तो हरियाणा 50 और ये 50 इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दे रखा था पूछा था कि जो आपका ट्रेड रिलेटेड है ट्रेड ओरिएंटेड जो आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम ट्रेड ओरिएंटेड आपका जो आया था और ट्रेड ओरिएंटेड जो आया था मैंने इसका पेपर दिया हुआ था तो वो सिर्फ आईटीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आपका बनता है। ठीक है इस तरीके से सारे सिलेबस जो है हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो आपको वीडियो के नीचे लिंक पर मिल जाएगी उसको आप ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको सभी ट्रेड के पेपर सभी राज्यों के पेपर और सभी राज्यों को सिलेबस वहां पर आपको मिल जाएगा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार पेपर का पैटर्न देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें केरला की केरला में भी हुआ 2016 में हुआ था केरला में भी जो पूछा गया वहां पर भी कुछ ऐसा ही था केरला के जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए वहां पर जो अनुपात था वो भी 2:1 था उसका भी पेपर हमने उस टेलीग्राम ऐप पर डाल रखा है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है सारा जो ये हुआ तो यहां पर तो नीली बुक से था। अब बात करते हैं बिहार की देखिए बिहार और यूपी के राज्यों में कुछ विशेष समानताएं कभी कभी देखने की मिल जाती है क्योंकि हमारा लोग का थोड़ा सा बड़ा राज्य पड़ जाता है संख्या जनसंख्या की प्रॉब्लम है। ठीक है ना तो यहाँ पर कुछ विविधता आपको देखने को मिलेगी तो ये तो राजस्थान हरियाणा केरला की बातें थी और अन्य राज्यों की बातें जैसे हमें मिलेगी मैं सर्च कर रहा हूँ आपको बताता रहूंगा। ठीक है बट बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में एक 2016 में नोटिफिकेशन आता है। ठीक है जिसको बिहार SSC के थ्रू नोटिफिकेशन आता है। ठीक है उसके बाद वहां पर एक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बन जाता है ये सारे फॉर्म आपके भरा लिए जाते हैं। ठीक है बट इसका एग्जाम आज तक नहीं हो पाया। देखिए कहने वाली बातें नहीं होती हैं जब लेकिन चीजें आती हैं तो कहना पड़ता है। आज कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे यहाँ यूपी में पेट और नान पेट के समर्थन में बहुत बोल रहे थे हमारे भाइयों के बीच में जो उन्होंने झगड़ा कराने का प्रयास किया। ठीक है अपने दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि पेट कंपल्सरी नहीं होगा और अपने चैनल पर जो है तरह तरीके से गाते हैं लेकिन वही बंदा 2016 से फॉर्म भरे हुए बैठे हैं आज तक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हाल पोस्ट में इस 2016 वाली डिटेल नोटिफिकेशन का आज तक एग्जाम नहीं हो पाया है। इस बंदे ने कितनी बार अपने
चैनल पर बिहार के भाइयों के लिए जो इन्होंने आवाज उठाई, तो सोचिए जब ये अपने भाइयों का नहीं है तो आपका क्या होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन आप लोग भली भांति समझ रहे। तो ये एग्जाम भी नहीं हुआ है लेकिन इसका जब डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा तो यहां पर इन्होंने कुछ फॉर्मेट ऐसा कर रखा था कि इन्होंने बोला था कि आईटीआई के लिए 50% जनरली होता यही है कि आईटीआई के लिए 50% हर राज्य में आपको देखने के मिलेगा, और डिप्लोमा और बीटेक वालों ने बोला कि 50% किसी से रिजर्व रहेंगे। देखिए यह हर राज्य में होगा, कहीं यहां पर राजस्थान बिहार में ही नहीं ऐसा। लेकिन आप लोग ने देखा कि हरियाणा में कॉमन पेपर वो बीटेक वालों के लिए भी था, डिप्लोमा वालों के लिए भी था और आईटीआई वालों के लिए भी था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ था, बट यहां बिहार में जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था इसका कोई सिलेबस तो नहीं दिया था, कोई सिलेबस नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि आईटीआई का पेपर आईटीआई वालों का पेपर अलग होगा और डिप्लोमा और बीटेक वालों का पेपर अलग होगा। और उन्होंने बताया था कि डिप्लोमा या बीटेक का सिलेबस क्या होगा तो उस राज्य का जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उसका जो सिलेबस है डिप्लोमा का संबंधित। आप इलेक्ट्रॉनिक के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस तैयार करिए, आप क्या कहते हैं मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का सिलेबस तैयार करिए, आप अगर क्या कहते हैं डीएमसी ट्रेड से हैं ठीक है तो आप डीएमसी का सिलेबस तैयार करिए, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला डिप्लोमा या बीटेक वालों के लिए। अभी परीक्षा हुई नहीं तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या स्वरूप रहा कैसा रहा। और आईटीआई वालों के लिए बोला कि जो आईटीआई का सिलेबस उस अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो 100 नंबर की परीक्षा के लिए उन्होंने भी बोला था। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा परीक्षा के सिलेबस का जो है स्वरूप था अन्य राज्यों के। अब हम बात करते हैं कि यूपी के राज्य में क्या परीक्षा का स्वरूप हो सकता है। तो देखिए ये मेरा आप व्यू मानना है कि देखिए सही चीजों को कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए और मैं करता भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही बात कह सकता हूं। देखिए कहीं ना कहीं ये वैकेंसी जो है बहुत ही जल्दी में आ रही है, ये मान के चलिए बहुत ही जल्दी में वैकेंसी जा रही है और इलेक्शन का समय है और वैकेंसी बहुत ही जल्दी हो जाने वाली है, ठीक है। और आप जैसा जानते हैं कि एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा गया जिसमें सीआईडीएस कंपलसरी है और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, उस ड्राफ्ट के बारे में चर्चा आपसे यहां नहीं करेंगे। तो अभी ड्राफ्ट पर साइन होना है, ड्राफ्ट पर साइन होने के बाद वैकेंसी आएगी। तो जहां तक मेरा मानना है, ये मेरा अपना मानना है, आप लोग क्या मानते हैं आप लोग देखिएगा कमेंट करके बताइएगा ताकि और लोग भी समझ सके। जहां तक मेरा मानना है कि अभी यूपी ट्रिपल एससी ने इसका कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं तैयार किया होगा, यूपी ट्रिपल एससी ने भी कोई डिटेल सिलेबस तैयार नहीं किया होगा। लेकिन चूंकि भर्तियां जल्दी होने वाली हैं तो आप ये मान के चलिए कि कुछ भी हो 90% अगर हम उम्मीद माने आपसे तो 90% तो उम्मीद ये है कि हरियाणा या राजस्थान की तर्ज पर ये पेपर करवाएंगे, कुछ यूपी का जीके और 100 नंबर का, या मान लीजिए 100 नंबर का पेपर लेते हैं तो 70-30 का कुछ ऐसा करके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का ये प्रोसेस बनाएंगे। 90% उम्मीद है, 10% संभावना ये भी बनती है, 10% संभावना ये भी बनती है कि आईटीआई वालों के लिए पेपर अलग करवा दें और डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए सिलेबस अलग करवा दें, पेपर अलग करवा दें, ठीक है। ये संभावना मात्र है, इसकी संभावना 10% मुझे दिखाई देती है। जहां तक मैंने लोगों से बात की, चर्चा की, परिचर्चा की, तो यहां पर लगता है कि 10% ही ये संभावनाएं बन रही हैं। 90% संभावना क्या बन रही है कि एक कॉमन पेपर होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी का मामला है, ठीक है ना। और देखिए सबसे पहले मैं भाइयों से बात करना चाहूंगा, जो भी भाई लोग हैं वो निमी की बुक देखिए, जो डीजीटी का पेपर पैटर्न होगा, देखिए यूपी का जीके आप लोग को थोड़ा बहुत तैयार होगा और यूपी जीके की बुक एक मंगा लीजिए, उसको समय शाम पढ़ते रहिए, सिलेबस क्या होगा अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूपी का जीके तो आप प्लीज पढ़ते रहिए और हम भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ वीडियोज आपको देते रहेंगे यूपी जीके पर,
ठीक है, कुछ ना कुछ आपको वीडियोस देते रहेंगे, ठीक है। पेपर जब तक सिलेबस हो नहीं पाता है, तो अगर हम आधे आधे घंटे भी इस यूपी जीके को पढ़ेंगे तो 2 महीने में काफी कुछ कवर कर जाएंगे, ठीक है। बट सबसे बड़ा पोर्शन आप ये मान के चलिए कि कुछ भी हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों होगा, लेकिन ज्यादा हमारा वेटेज जो है टेक्निकल का होने वाला है। और टेक्निकल का वेटेज 90% संभावना ये बन रही है कि सीटीएस सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा हो। तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो अगर निमी की, मेरा एक अनुभव है, मैंने पेपर दिया हूं बट अभी सेलेक्ट नहीं हुआ हूं, ठीक है ना, कुछ कारणों की वजह से कहीं ना कहीं क्वेरीज लग जाती हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन में इस वजह से, ठीक है ना, तो कुछ गलतियों की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो यहां पर लेकिन जो मेरा एक मानना है कि जो सिलेबस है, जो पेपर अभी तक बना है, वो निमी पैटर्न पर ही बना है, ठीक है। निमी का जो पैटर्न है डीजीटी का, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न बना है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे निमी की बुक खरीद लें, ठीक है। सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, 2 ईयर का उनका ट्रेड है तो 4 बुकें आएंगी, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर 1 साल का कोर्स है तो 2 बुकें उनकी होंगी। वो बुक खरीद लें, उस बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। जो डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेसिक यहां से देखते रहे और डिप्लोमा लेवल पर भी थोड़ा बहुत देखते रहे, क्या पता 10% हो जाए। हाँ, ये बात मान के आप चलिएगा, ये मैं बात 99% क्लियर कह सकता हूं कि आयोग जो भी सिलेबस देगा वो किसी सिलेबस में आपको टॉपिक वाइज ये नहीं मिलना कि ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, ये चीज आएगी। वहां पर ऐसा ही लिखा रहेगा कुछ जैसे बिहार में लिखा था या जैसे हरियाणा में लिखा था कि ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इतने क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित मैथ गणित इतने क्वेश्चन होंगे, पर बहुत ज्यादा डिटेल्स लेवल देने की संभावना दिख नहीं रही है क्योंकि भर्ती जो है बहुत ही तेजी में होने जा रही है, आप मान के चलिए, ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया रुकनी भी नहीं है, यह भी आप मान के चलिए। तो सिलेबस का मैंने एक बार डिटेल किया और उसके बाद जो है अब मैं जब अगली वीडियोस में आपके साथ आऊंगा तो एक एक ट्रेड का जो है डिटेल डिस्कशन करते हुए आपको मिलेंगे और किस प्रकार से सिलेबस होगा, किस प्रकार से जो है हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, किस प्रकार से हमें क्या करते हैं और चीजें करनी है। देखिए मैं आप लोगों के साथ एक आह्वान करता हूं कि मैं अभी यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की तैयारी के लिए भी कोई कोचिंग नहीं है या किसी भी कोचिंग में कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाई, ठीक है। मुझे लगा कि अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि जो भी बच्चे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग अपने भाइयों के लिए सहारा बने, वो हमारे चैनल से जुड़े। और हर जैसा कि जानते हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता हूं, आज कई बहुत सारे ट्रेड्स में हमारी आईटीआई चल रही हैं, तो बेसिकली जो मैं वर्क कर सकता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर सकता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए कर सकता हूँ और WSC वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है उसके लिए जो मैं तैयारी करवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी चीजों की तैयारी में सब चीजों की तैयारी तो करवा नहीं सकता हूं, जैसा आप लोग जानते हो। तो जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मुझसे जुड़ के अपनी वीडियो जो है पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो भी कमेंट करें और अपना कांटेक्ट नंबर भेजें और मेरे भी कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करें, जिससे हम लोग एक अच्छी व्यवस्था देकर 1 से 2 महीने का जो समय हमारे पास बचा है उस समय में जो है हम समय का सदुपयोग करते हुए कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे की क्लासेस चलाकर जो है सभी भाइयों का भला करें और सभी भाइयों का जो है सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी आशा और उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ कुछ हमारे पास संसाधनों की कमी है, ये बहुत ही छोटे संसाधन में, छोटे रिसोर्स में जो है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग का आशीष रहा और आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग की शुभकामनाएं साथ में रही, तो मैं भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको इस बोर्ड से मैं जो है डिजिटल बोर्ड पर भी जा सकता हूँ, बट उसके लिए आपका सहयोग और क्या कहते हैं समर्थन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते नहीं है कि समर्थन से बहुत बड़ा काम हो सकता है, बंदा निकलता अकेले है, ठीक है, लेकिन जब रास्ते में लोग मिलते चले जाते हैं तो कारवा बन जाता है। तो हम
इस पथ पर जो है अकेले निकल पड़े हैं। मैं बहुत ही क्षुब्ध मन से आपको लास्ट में बोल रहा हूँ, 5 मिनट बाद सुन लीजिएगा। मैं सोचता था कि मैं कारवा बना के निकलूं, ठीक है, लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो उन्होंने बीच में ही स्टार्टिंग से ही धोखा देना स्टार्ट किया, तो इस वजह से मैं अकेले ही निकल पड़ा हूँ इस पड़ाव पर, ठीक है, जिस वजह से जो मुझे काफी ज्यादा टेंशन हुई और मैं बीमार भी हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों की वजह से। तो मैं लोगों की बात नहीं करना चाहता हूँ उस मंच पर, ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसे लोगों की तलाश है। एक जब अकेले निकल ही पड़ा हूँ तो ऐसे लोग के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी अगर तैयारी की बात किया जाए तो सारा कोर्स जो है मैं अकेले तो कवर नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे अगर जो हमारे साथ जुड़ना चाहें, आना चाहें, कुछ क्लास देना चाहें अच्छे से, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कोर्स को भी अच्छे से कवर करा सकें। तो सारे बच्चे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े और फिर हम लोग एक बार डिसाइड करें कि हम लोग अपनी क्लासेस कहाँ चलाएंगे और किस प्रकार से चलाएंगे और किस प्रकार से मेहनत करके हमें UPITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी में जो है अपनी एक सीट को कवर करना है, ठीक है। आपको अपनी एक सीट देखनी है, कितने पद हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, ये लोग सुबह शाम जो चर्चा करने चले आते हैं, आपका दिमाग खराब करने चले आते हैं, इनका इन भाइयों का होने वाला है, इन भाइयों का नहीं होने वाला है, बड़ा सा थंबनेल लगा देते हैं, इतने पद मगर इनका नहीं होगा, ठीक है, इन लोग सावधान, ऐसे लोगों से बचिए। इस समय 2 महीने का समय आपके पास ऐसा है कि आप नेगेटिव कमेंटों से बचिए, ठीक है, वैकेंसी कहीं नहीं जाने वाली और इस वैकेंसी में सबको आना है, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना है जो आपको निगेटिव नकारात्मक सोच देते हैं, ठीक है, और दूसरे ऐसे लोगों से बचना है कि जो बिल्कुल भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से ऐसी खुराफात कर दें आपका समर्थन। देखिए, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार उनसे पूछ लेगी कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है तो भागते हुए फिरेंगे, लेकिन आपकी कंधे पर, ठीक है, जो नॉन पेड भाइयों हो, जो आप जिन्होंने किसी भी कारणवश से आप पेट नहीं दे पाए हो, ये आपके कंधे पर बंदूक रख के बहुत ही तगड़ी बंदूक चला सकते। तो दोस्त, ऐसे लोगों को समर्थन मत करिए, आप परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि जब फॉर्म कम पड़ेंगे तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, जब हम लोग एक स्पेसिफिक डाटा सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार अवश्य सोचेगी और सबको अंदर करेगी, बट जो क्राइटेरिया के अंदर आएगा वही तो अंदर हो सकता है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है वो फॉर्म कैसे भरेगा, तो वो सोचते हैं 6 महीने 7 महीने वैकेंसी और रुक जाए किसी तरीके से, फिर हम जो है हम भी एलिजिबल हो जाए, हम भी भर्ती में जो है हाथ धो ले। तो ऐसे हाथ धोने वाले लोगों से बचिए, क्योंकि जब तक अगर आप ऐसे लोगों का समर्थन करते रहेंगे तो आप भी ओवर एज हो चुके हो, आप भी भर्ती से बाहर होंगे और जो हमारे और भाई ओवर एज हो चुके हैं वो भी भर्ती से बाहर होंगे। प्लीज इस बार जो है सब लोग मिलके आइए और इस जो एक महाकुंभ चलने जा रहा है UPITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की तैयारियों का, कहीं से भी आप तैयारी करिए, लेकिन आप तैयारी करिए और आप अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। और इसी शुभकामना और आशीष के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ट्रेड वाइज जो है सिलेबस एनालिसिस के साथ मिलेंगे और हो सकेगा तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे और जो है फिर आगे हमारी चर्चा और परिचर्चा चलती रहेगी। हमारे जो CITS के बच्चे हैं जो मुझसे आशा लगाए हुए, मैं चूंकि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का भी टीचर हूँ और WSC का टीचर भी हूँ, उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द आपके लिए भी मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें क्वेश्चन से संबंधित आपका डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो जो है सुबह आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो इसी के साथ अलविदा आज की वीडियो में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राम राम, जय श्री राम।